योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन। सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौट ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इसराइल के विषय में, जिसे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया और एक लड़की बेचकर दाख मधु पिया है। और हे सोर और सिदोन और पलिश्ती के सब प्रदेशी, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझको बदला दो भी, तो मैं झटपट तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी है और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाए। इसलिए सुनो, मैं उनको उस स्थान से जहां के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया बुलाने पर हूं, और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा, और मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा और वे उनको शबाइयों के हाथ जो दूर देश के रहने वाले हैं बेच देंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। जाति जाति में यह प्रचार करो कि तुम युद्ध की तैयारी करो और अपने शूरवरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे कि मैं वीर हूं। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाए और यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रौंदो क्योंकि हौज भर गया, रसकुंड उमड़ने लगे क्योंकि उनकी बुराई बड़ी है, निपटेरे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटेरे की तराई में यहोवा का दिन निकट है, और न तो सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश देंगे और न तारे चमकेंगे, और यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा, आकाश और पृथ्वी थरथराएगी, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इसराइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। सो तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर बास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है, और यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी फिर उसमें न होकर जाने पाएंगे, और उस समय पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने और टीलों से दूध बहने लगेगा, और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे, और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा जिससे शित्तीम नाम नाला सिंचा जाएगा। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजाड़ हुआ जंगल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोषी की हत्या की थी, परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहेगी, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सियोन में बास किए रहता है।